एनिमल मूवी की कितनी ज़्यादा हाइप है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एनिमल जिसको संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणबीर कपूर एक डेंजरस अवतार में दिखाई देने वाले हैं और ये मूवी इतनी ज़्यादा वायलेंट होने वाली है कि इसको देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो देखते हैं कि एडवांस बुकिंग्स में एनिमल कैसा परफॉर्म कर रही है, वो डेफिनेटली अच्छा ही कर रही होगी, पर जब तक हमें नंबर्स पता नहीं चल जाते तब तक असली मज़ा कहाँ है। तो नेशन वाइड मतलब पूरे इंडिया में जो इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है उसको एस्टिमेट किया गया है लगभग 5,87,00,000 रुपए पे, मतलब 5.87 करोड़ रुपीस। इसका मतलब इसने कुल मिला के अभी तक 1,76,192 टिकट्स बेच दिए हैं और इसके टोटल शोज जो इंडिया में लगे हुए हैं वो हैं 5,570। पर इसके साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि एनिमल जो है वो साउथ के रीजन्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज़ वहाँ पे अपनी छाप नहीं छोड़ पाती। तो साउथ के रीजन में भी डिसेंट हमें कुछ दिख रहा है। यहाँ पे अगर तेलुगु डब्ड वर्जन की बात करें तो वहाँ पे एनिमल ने एडवांस बुकिंग कर ली है 54.29 लाख रुपीज़ की और इसमें टिकट्स बेच दिए हैं 33,453। अगर वहीं पर तमिल डब्ड वर्जन की बात करें तो वहाँ पर इतनी ओपनिंग नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 32,740 रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है और सिर्फ 341 टिकट्स बिके हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है कि ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो इन सारे नंबर्स को जोड़ के हम कुछ 6.42 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी ले चुके हैं और जब तक मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ पक्का ये टिकट 2,00,000 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। और सिर्फ नेशनल चेन्स में बात करें तो PVR और आइनॉक्स वगैरह हैं, वहाँ पर 1,00,000 का आंकड़ा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो एनिमल हर जगह बेस्ट तरीके से कलेक्शन कर रही है। एक और रीज़न मैं आपको दे देता हूँ कि एनिमल क्यों बहुत बड़ी हिट बन सकती है। पहली बात तो यहाँ पे इतना कुछ कंपटीशन दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ मैं सैम बहादुर की बात करने वाला हूँ आगे जाके, और इसका बजट सिर्फ 100 करोड़ बताया जा रहा है विकिपीडिया के अकॉर्डिंग। मुझे जहाँ तक लग रहा है 100 करोड़ तो ये कुछ ही दिनों में पार कर लेगी। वहीं पर अगर हम सैम बहादुर की थोड़ी सी बात कर लें तो इसकी परफॉर्मेंस एनिमल के 10 टाइम्स कम है क्योंकि इसने अभी तक एडवांस बुकिंग में कमाए हैं 64.13 लाख रुपीज़ और टिकट्स बेचे हैं 18,861। तो कुछ खास नहीं दिख रहा है सैम बहादुर के लिए और एनिमल से जो बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है वो सैम बहादुर के लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता है। पर ये तो हमें 1 तारीख को ही पता चलेगा कि असली कलेक्शन कितने आते हैं इन मूवीज़ के। आप बताइए आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो नीचे कॉमेंट्स में, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।